Hello guys, welcome to Science Cosmos, and I am going to tell you about most important concept of locomotion and movement, and that is the structure of contractile protein. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, that is the structure of contractile protein. और ये जो टॉपिक है, ये belong करता है आपके locomotion and movement chapter से. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. जैसा आप देख सकते हैं कि एक थिन फिलामेंट होता है और एक थिक फिलामेंट होता है. तो सबसे पहले हम किस फिलामेंट की स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज योर थिन फिलामेंट एंड आल्सो कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट. तो आपको याद रखना है कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है, ये अपने आप में एक्चुअल में थिन फिलामेंट इसलिए होता है क्योंकि डायमेट्रिकली बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, डेट्स वाई इसे थिन फिलामेंट कहते हैं. और अपने आप में ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिनके नाम जो है एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन. तो इनके बारे में हम इंडिविजुअली स्टडी करें, इनके बारे में विजुलाइज करेंगे कि एक्चुअल में होते कैसे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका एक्टिन है, इसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं, और एक्चुअल में जो थिन फिलामेंट है, इसको दूसरे शब्दों में एक्टिन भी कहते हैं. बिकॉज इसमें जो अरेंजमेंट है प्रोटीन की, वो फिलामेंटस टाइप की है. दैट्स व्हाई इसलिए हम इसको एक्टिन के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है फिलामेंटस एक्टिन. जो हेलिकली बाउंड होता है, जब आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो उसमें आपको इसका डायग्राम दिखाया गया है, तो आप देखेंगे कि उसमें इस तरह की अपीयरेंस होगी. और एक चीज और बता दूं, जो ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, इसमें आपको जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको एक डॉट दे होती है, यानी ये एक्टिव साइट है फॉर बाइंडिंग ऑफ मायोसिन. ये मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है, जो एक्टिन पर लोकेटेड होती है. तो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं की गई, तो आपको यार अपने को से मेंशन जरूर करिए, ठीक है. ये हेलिकली अरेंज होते हैं. अगर जो हम देखें, तो आपको याद रखना है कि जो ये फिलामेंटस मीन्स एक्टिन है, इसका जो ये पर्टिकुलर आप स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ग्लोबुलर मीन्स इसका मोनोमेरिक जो होता है वो ग्लोबुलर एक्टिव होता है. तो आप देख सकते हैं कि फिलामेंटस जो एक्टिन है, दैट इज मेड अप ऑफ अ मोनोमर, एंड दैट मोनोमर इज नोन एज अ ग्लोबुलर एक्टिन. तो ये जो ग्लोबुलर एक्टिन है, एज यू नो कि दिस इज अ स्फेरिकल इन शेप, दैट्स व्हाई हम कहते हैं इसे ग्लोबुलर एक्टिन. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट. Now second part is tropomyosin, जो एक thread-like structure है, ये भी helically bind होती है. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये भी दो filaments होते हैं, two filaments of tropomyosin और run close to. तो आप देख सकते हैं कि इसी के चारों तरफ ऐसे करके आपको thread-like structure दिखेगी, जिसे हम tropomyosin कहते हैं. तो आपको याद रखना है tropomyosin जो होती है runs parallel to the affected part of actin. Now third part is troponin. आपको याद रखना है जो ट्रोपोनिन है, एक्चुअल में ये कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसके सबसे बड़ी पहचान है कि ट्रायंगुलर में तीन ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है. तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन. इसी ट्रोपोमायोसिन पे ऐसे करके आपको तीन डॉट दिखेंगे. तो आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर जो रेगुलर इंटरवल पे आपको दिख रहा है, दैट इज ट्रोपोनिन. इसका मेजर फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि जब ये रेस्टिंग स्टेट में होता है, कौन सी स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, उस दौरान जो सब यूनिट होती है ट्रोपोनिन की, जो सब यूनिट है, ये आपको याद रखना है कि ये जो मायोसिन के लिए एक्टिंग साइट है, ये देख सकते हैं आप, इसको कवर करे रखता है, कुछ इस तरीके से कवर करे रखते हैं. अब आपको याद रखना है, जब तक इससे कैल्शियम बाइंड नहीं होगा, तो कैल्शियम जब तक इससे बाइंड नहीं होगा, मान लीजिए कैल्शियम बाइंड होता है, तो ये ट्रोपो मायोसिन पर फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से टेंशन जनरेट होने पर ये इनवर्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से जो मास्किंग है अभी कवर्ड है, जब ये अनकवर्ड होगा तो उस दौरान ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और जो इसकी एक्टिव साइट है वो अनमास्क हो जाएगी. क्या हो जाएगी, अनमास्क. तो आपको याद रखना ये अनमास्क और ये मास्क कंडीशन. तो आपको याद रखना है दो कंडीशन, मास्क और अनमास्क कंडीशन. एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. इन नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट
thick filament, that is myosin. Now in this section we are going to discuss about second filament, that is a thick filament and also called myosin. So जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो second filament है, that is myosin, तो ये भी अपने आप में अगर हम देखें तो ये एक polymeric protein होता है. कैसा protein होता है? Polymeric. That is made up of polymer. ये भी एक polymer है, जिसकी दो unit है, जिसको हम actual में ये narrow myosin जो है इसकी actual में सिंगल यूनिट है, जो बार बार रिपीट होके इस पॉलीमरिक प्रोटीन को बनाती है, दैट इज मायोसिन. सो कीप रिमेंबर कि मोनोमेरिक यूनिट ऑफ मायोसिन इज नोन एज मैरोमायोसिन, व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. और ये जो मैरोमायोसिन है फर्दर मेड अप ऑफ टू, जैसे इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. एक तो इसका ग्लोबुलर हेड, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ग्लोबुलर हेड आपको दिख रहा होगा, ठीक है. एंड नाउ सेकंड शॉर्ट आर्म आप देख सकते हैं. थर्ड वन इज टेल. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज मैरोमायोसिन. इसी मैरोमायोसिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, HMM एंड LMM. तो आपको ध्यान रखना है कि HMM मींस हैवी मैरोमायोसिन, जो अपने आप में जो पूरा पोर्शन है जिसके अंदर हेड और शॉर्ट आर्म दोनों कलेक्टिवली प्रेजेंट है. तो आप याद रखना है कि दैट इज अ हाई वेट, दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, हैवी मैरोमायोसिन कहते हैं. तो आप क्या करते हैं कि जब भी आपके दिमाग में हैवी मैरोमायोसिन की बात आए तो आपको याद रखना है कि हैवी मैरोमायोसिन इज अ पार्ट ऑफ मैरोमायोसिन व्हिच इज हायर इन वेट. एंड कीप रिमेंबर इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, हेड एंड शॉर्ट आर्म. तो जैसा मैंने यहां पर दिख रखा है कंसिस्ट ऑफ हेड एंड शॉर्ट आर्म. तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपको हेड दिख रहा होगा, उसके जस्ट बराबर में आपको शॉर्ट आर्म दिख रहा होगा. सेकेंड जो पार्ट है मैरोमायोसिन का, दैट इज LMM, जिसको हम लाइट मैरोमायोसिन कहते हैं, जो ओनली टेल से बना है. जो लास्ट पार्ट आप देख सकते हैं दैट इज योर टेल, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइट मैरोमायोसिन बिकॉज इट इज लाइटर इन वेट एज कंपेयर टू हैवी मैरोमायोसिन. नाउ एज यू कैन सी क्रॉस आर्म, आपको ध्यान रखना है जो HMM कंपोनेंट है, यू कैन सी HMM कंपोनेंट मींस हेड एंड शॉर्ट आर्म projects outward at a regular distance. आप कह रहे हैं कि ये एक regular distance पर ऊपर की तरफ को बल्ज होते हुए दिखेंगे आपको. आप जब NCERT diagram देखेंगे तो कुछ इस तरीके के appearance आप वहाँ पर देखेंगे. That represent ये जो part आप देखें, तो NCERT diagram जरूर देखेगा, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि जो आपका HMM component है, that means जो hand को short arm है, वो प्रोजेक्ट हो रहा है, मींस ऊपर की तरफ आपको मूव होता हुआ दिखेगा, बल्ज होता हुआ दिखेगा एट अ रेगुलर डिस्टेंस. जैसे आपने वहां पे ट्रोपोनिन देखा था, सिमिलरली इन केस ऑफ मायोसिन यू कैन सी बल्ज सरफेस एंड दैट इज योर HMM. तो यार अपना एंगल फ्रॉम ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा विद द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट. ये जो पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट आप देख सकते हैं, that is polymerized myosin. तो इसके सरफेस पे 90 डिग्री के एंगल के साथ आपको ये जो बल्ज सरफेस दिख रहा है, that is HMM component. तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है कॉन्ट्रैक्शन में, जो हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे. तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट के ऊपर जो projected surface आपको दिख रहा है, that is the HMM, ठीक है, and is known as gross arm. Now we are going to discuss about globular head. As you can see, ये globular head जो है, ये most important part है myosin का, जिसके पास दो side होती, first ATP binding site and second one is actin binding site. आप मुझे comment करके बताइएगा कि आप actin binding site जो है, जो आपको दिख रही है मेरा myosin पे, या वैकेंसी उसके जो हेड है उसके ऊपर दिख रही है, वो किससे बाइंड हुई. तो ये आप एनसीईआरटी डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे. सो आपको याद रखना है कि ग्लोबुलर हेड फंक्शन एज एन एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एक्टिन रेस्पेक्टिवली. तो आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि ग्लोबुलर हेड जो है उसके पास दो साइट है, एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट एंड सेकंड वन
actin binding site. So I hope you will understand what is the function of globular head. Keep remember कि आप जब ये वीडियो को पूरी तरह से देख लें तो उसके बाद अपने एनसीईआरटी के डायग्राम को ऑब्जर्व करना ना भूलें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग.